और रावत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो गाइस, टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ. येस, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन कर्ल योर हेयर फ्रॉम अ स्ट्रेटनर. आप कैसे अपने बाल एक स्ट्रेटनर से कर्ल कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी. इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. आपको जैसे कर्ल्स चाहिए आपको वैसे मिल जाते हैं. और आजकल लोगों को सॉफ्ट कर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे भी सॉफ्ट कर्ल्स बहुत पसंद है, जो नीचे नीचे से कर्ल्स होते हैं, ऊपर से स्ट्रेट होते हैं. तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि आप एक स्ट्रेटनर से कैसे अपने हेयर कर्ल कर सकते हैं ईजीली, दैट टू इन ओनली लाइक 5 to 10 minutes. आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू डू इट. तो आप ये प्रोसेस समझ लीजिए बिकॉज मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आई यू गाइज रेडी कम. तो सबसे पहले मैं कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्ट्रेटनर. ये है फिलिप्स का स्ट्रेटनर, लुक लाइक दिस. और इसका बैक ऐसे है, इसमें लॉक है. इसका लॉक ओपन करेंगे देन ये ओपन हो जाएगा. और अगर आपने लॉक बंद किया तो ये बंद हो जाएगा, ओपन किया तो ये ओपन हो जाएगा. सो ये वाले स्ट्रेटनर से मैं अपने बाल आज कर्ल करने वाली हूँ, सॉफ्ट कर्ल्स. तो आई होप आपको मेरा ये प्रोसेस पसंद आए और इजीली आपको समझ आए और आपके लिए हेल्पफुल हो. सो या लेट्स स्टार्ट. तो मैं ओपन करती हूँ अपने हेयर. अभी आप देख सकते हैं, लाइक मेरे बाल अभी सिचुएशन ऐसी है मेरे बालों की. तो अभी मेरे बाल ऐसे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्लग इन करेंगे सबसे पहले. तो मैंने ये यहाँ प्लग इन कर दिया है एंड आई विल स्टार्ट. ये स्टार्ट हो चुका है, आप देख लीजिए. तो लेट्स स्टार्ट. और मैं ये कॉम यूज़ करूँगी. और सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन करूँगी. आप ऐसे सेंटर पार्टीशन कर लीजिए सबसे पहले. सो आई विल टेक लिटिल पार्ट. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पूरे बाल स्ट्रेट कर लेने हैं. जितने लेयर्स आप ले रहे हैं उनको अच्छे से ऊपर से स्ट्रेट कर दीजिए, जस्ट लाइक दिस वे. एंड नाउ आपके जो बाल हैं वो पूरे मशीन के अराउंड घुमाइए एंड देन ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मशीन के अंदर इस तरीके से डालिए एंड जस्ट ऐसे आप मशीन को घुमाइए, जस्ट लाइक दिस वे. एंड धीरे धीरे स्लोली आप इसको ऐसे नीचे लेते जाइए. लुक एट दिस, कितने अच्छे से ये नीचे से ऐसे कर्ल्स हुए. लुक एट द कर्ल. एंड देन यही प्रोसेस हम पूरे सारे बालों में लेंगे. आपको समझ आया? और अगर नहीं समझ आया तो वापस समझिए. ओके, फिर से हम अपने बाल यहाँ से लेंगे, ठीक है? ऐसे आपने अपने बाल लिए एंड अगेन जस्ट आप इनको ऐसे स्ट्रेट करिए. इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू डू इट. और ये मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए. और जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, मशीन के अराउंड आप अपने पूरे बालों को ऐसे घुमाइए एंड देन अपने बाल, ये जो बचे हुए बाल हैं अगर आपको दिख रहा है, उसको मशीन के ऐसे अंदर डालिए एंड देन जस्ट टर्न इट. और आप इसको ऐसे स्लोली नीचे ऐसे लेते जाइए. जस्ट लुक एट दिस. और अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो ईजिली आप 10 मिनट्स के अंदर ये कर्ल्स कर सकते हैं. तो गाइज प्लीज़ वापस से ये प्रोसेस 2-3 बारी और समझिए. मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी अगर नहीं समझ आया है तो. जो हम कर्लर से करते हैं वो हमें प्रॉपर कर्ल्स मिलते हैं, प्रॉपर वाले. और ये सॉफ्ट कर्ल्स हमको वो कर्लर मशीन से इजीली नहीं मिल पाते हैं. अगेन आप ऐसे बालों को स्ट्रेट कीजिए. अगेन मैं ये प्रोसेस आपको वापस रिपीटेडली समझा रही हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ आए
ये पूरा पार्ट ऐसे घुमाइए, देन बचा हुआ पार्ट इसको मशीन के अंदर डालिए एंड जस्ट टर्न ऐसे मशीन को, एंड देन स्लोली आप नीचे नीचे ऐसे ऐसे जाइए। ये देखिए, ये देखिए, आपने ऐसे मशीन के अंदर ये बचा हुआ पार्ट डाला एंड देन जस्ट टर्न इट, और आप ऐसे इजी वे में इसको ऐसे इजीली स्लोली स्लोली आप इसे नीचे की तरफ मूव कर। आप सी सी दिस, सी दिस कर्ल। जस्ट स्ट्रेट योर हेयर लाइक दिस वे, स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट कीजिए एंड देन जस्ट मशीन की तरफ ऐसे घुमाइए एंड देन जस्ट ये पार्ट अंदर डालिए एंड जस्ट टर्न इट दिस वे, और आप स्लोली स्लोली डाउनवर्ड्स जाते जाइए, जाते जाइए ऐसे, स्लोली स्लोली आप ऐसे डाउनवर्ड्स जाइए। एट दिस, ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करके दिखाया है एंड आई होप आपको समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आया है सो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।